Very good morning to all my dear kids and parents. Hope you all are fine. Today our subject maths, chapter number 3, time and money. So kids, हमने last week time and money में क्या किया था, किसी को याद है? हमने days of the week और month of the year किए थे, right? उससे पहले हमने time का पढ़ा था कि टाइम कैसे देखते हैं, हाउ मैनी आवर्स इन वन डे, वो सब हमने किया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मनी, करेंसी. ओके, सो लुक हियर, वी नीड मनी टू बाय थिंग्स. ये तो आपको पता है, दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, हमें उसका पैसा मीन्स मनी देना पड़ता है. सो हमें थिंग्स बाय करने के लिए वी नीड मनी. लुक हियर एवरीबॉडी, लुक हियर, दिस इज द सिंबल ऑफ रूपी. अभी ये वाला सिंबल रूपी के लिए चलता है, इसको यूज करते हैं. ओके, नाउ लुक हियर, इंडियन कॉइन्स, 1 रूपी, दिस इज 1 रूपी. आपने देखा ही होगा, मम्मी देती होंगी ना 1 रूपी की च्युइंगम चॉकलेट. दिस इज 2 रूपी, दिस इज 2 रूपीज, दिस इज 5 रूपीज. ओके, एंड दिस वन इज 10 रूपीज. 10 का सिक्का बोलते हैं ना, ये कॉइन्स है. अब ये कॉइन्स है, राइट? कॉइन्स मीन सिक्को. आपने सिक्को, सिक्का यूज, जो हिंदी हमारे लैंग्वेज में हम सिक्का या सिक्को बोलते हैं, वो ये सब है. आपने सभी ने देखे होंगे. ओके, देन नीचे आओ, दिस इज इंडियन नोट्स. नीचे और भी है, आई विल शो यू. दिस इज 10 रूपी नोट, दिस इज द न्यू 10 रूपी नोट जो अभी निकला है. ओके, ये 10 रूपी का नोट है, ये 10 रूपी का कॉइन है. दिस इज 10 रूपी नोट एंड दिस वन इज ऑल्सो 10 रूपी नोट. 10 रूपीज इज रिटर्न एज द साइन ऑफ रूपीज एंड देन 10. ओके, नाउ नेक्स्ट लुक हियर, फर्स्ट इज दिस इज 20 रूपी नोट. आपने देखी ही होगी 20 रूपी नोट. दिस इज 50 रूपीज नोट, 50 रूपीज नोट है ना. अभी दूसरा भी चेंज हो गया 50 रूपीज में, उसका कलर चेंज हो गया, ये ओल्ड वन है आई थिंक. दिस इज 100 रूपीज नोट, दिस इज 100 रूपीज नोट. अगेन द न्यू नोट ऑफ 20 रूपीज जो अभी चल रहा है, दिस वन इज द न्यू नोट ऑफ 20 रूपीज एंड 20 रूपीज इज रिटर्न एज रूपीज 20, द सिंबल द साइन ऑफ रूपीज एंड देन 20. नेक्स्ट इज दिस इज 50 रूपी नोट, दिस वन इज ऑल्सो 50 रूपी नोट, ये अभी न्यू निकला है, सभी को पता होगा. दिस इज 50 रूपी नोट, 50 रूपीज इज रिटर्न एज रूपीज 50, सिंबल ऑफ रूपीज एंड देन 50. दिस इज द न्यू 100 रूपी नोट एंड 100 रूपी इज रिटर्न एज रूपीज 100. ओके, ये ओल्ड वाले हैं सारे जो चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, ये न्यू वाले हैं. ओके, दोनों ही करेंसी तो वही है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 20 है, ये भी 20 ही है. ओके, नाउ लुक हियर, दिस नोट. ओके, दिस इज द 200 रूपी नोट, 200 रूपी का नोट है एंड उसको कैसे लिखते हैं, रूपीज 200. नेक्स्ट इज 500 रूपी नोट. लुक हियर, 500 इज रिटर्न एज रूपीज 500. ओके, नाउ दिस नोट चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2000 मीन्स ये 200 नहीं है, ये 3000 है. दिस इज 2000 रूपीज नोट, 2000 रूपीज का ये नोट है जो पिंक कलर में आता है. ओके, सो इट इज रिटर्न एज रूपीज 2000, इसको ऐसे लिखते हैं. नोट को वैसे हम लिखते नहीं है,
लेकिन हम जब मैच करेंगे और कभी ऐसे पूछा जाएगा तो हमें ये सिंबल और इस तरह से लिखना होगा, हम नोट ड्रॉ नहीं करेंगे, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज काउंटिंग मनी। अब आई डोंट थिंक कि किसी को 1 रुपी 2 रुपी की काउंटिंग नहीं आती होगी। अभी के बच्चे इतने, आपको तो पता ही, आप 5 रुपीज का पैकेट लाते हो, मम्मी 10 रुपीज देती है, 5 रुपीज में एक पैकेट आएगा और 10 रुपीज में सभी को पता है 2 पैकेट्स आने वाले हैं, है ना? ओके, सो काउंटिंग मनी। व्हेन काउंटिंग कॉइन्स ऑफ द सेम वैल्यू मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा था, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। बार बार एक ही चीज रिपीट होगी वो मल्टीप्लाई कहलाएगी, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक कॉइन है, ये कॉइन नहीं बताया, इसका रेट नहीं, ये नहीं बताया है कि वो कितना रुपीज का कॉइन है, सिर्फ वो सेम चीज बार बार ऐड की गई है। 1 2 3 4 5 ग्रुप ऑफ 1 रुपी, समझो ये 1 रुपी है, आई थिंक इट इज 1 रुपी, या इट इज 1 रुपी कॉइन एंड ग्रुप ऑफ 5 मीन्स 5 टाइम्स, सो 5 × 1 डेट इज 5 × 1 = 5। अभी यहाँ पे अगर 2 होता, फर्स्ट करो यहाँ पे 2 2 2 2 2, बार बार 2 रिपीट होता तो यहाँ पे क्या होता, अगर फर्स्ट करो यहाँ पे 2 2 2 2 और 2 होता तो यहाँ पे क्या लिखना होता पता है, 5 × 5 × 2 दैट इज 10, ऐसे लिखेंगे। आई बात समझ में? सॉरी। सो व्हाट विल यू डू व्हेन काउंटिंग नोट्स और कॉइन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। अब यहाँ पे पूछा है कि अगर ये तो सेम नंबर थे इसलिए हमने प्लस और मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन क्या होगा अगर डिफरेंट वैल्यूज, अलग अलग नंबर के कॉइन्स या नोट होंगे, तो हम उसको ऐड करेंगे क्योंकि वो सेम नंबर नहीं होंगे। सेम नंबर होगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर सेम नंबर नहीं हुआ, डिफरेंट नंबर हुआ, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। जैसे ये 10 रुपीज का नोट है, ये 5 रुपीज का कॉइन है, ये 2 रुपीज का कॉइन है और ये 1 रुपी का कॉइन है। अब इसको ऐड करेंगे। अब आप बोलोगे इतना लंबा मैच कैसे करे, तो 1 by 1 करना है, 10 + 5, 10 इन योर माइंड, 5 ऑन फिंगर, सो आफ्टर 10 11 12 13 14 15। और आई थिंक नोट देंगे तो आपको आ ही जाएगा, आपको ऐड करने की जरूरत, मम्मी 5 रुपीज का कॉइन देगी और 10 रुपीज की नोट क्या कॉइन देंगे, आपको पता ही है वो 15 रुपए है ना, 15 रुपीज, देन आफ्टर 15 ये 2 कॉइन है, 2 का कॉइन है, 16 17, देन 1 is 17 के बाद एक और कॉइन देंगे जो 1 रुपीज का होगा, सो डेट इज ₹18। अंडरस्टूड? ओके, ये आप अपने घर में मम्मी को बोलो कि आपको डिफरेंट कॉइन्स दे और आप उसको गेस करो कि वो काउंट करके कितना टोटल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज काउंट द मनी। ओके, यहाँ पे सेम नंबर का कॉइन रखा हुआ है और हमें बोला है कि आपको काउंट करना है। मैंने बोला सेम नंबर का कॉइन हो तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। सो लुक हियर, हियर इज द कॉइन ऑफ 2 एंड हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 1 2 3 4। सो सबसे पहले हम लिख देंगे ग्रुप ऑफ 4, देन विच ग्रुप ऑफ 4 मीन्स कितने का ग्रुप है, इन ईच हाउ मेनी इज देयर, 2 रुपीज, तो 4 × 2। ओके, अब 4 का टेबल आता है, 4 2 = हाउ मेनी, 4 2 = 8, सो हियर यू राइट 8। नेक्स्ट इज नंबर 2, 1 2 3 4, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ कॉइन आर देयर, 5। अच्छा, किसका ग्रुप है, 5 के कॉइन का, देखो 5 तो सॉरी
how many groups of 5 is there? 1, 2, 3, 4. So here you write again 4. And how many are there in one group? Means 1, kitna digit hai, kitna hai? 5 hai. So here you write 5. So 4 multiplied by 5. That is 4 5s are 20. Okay. Now, next is one, two, three, four, five, six. How many groups are there? 6. In each group, ek group mein kitna hai? That is here it is written. So, in one group, 10 is there. So, 6 multiplied by 10. 6 tens are 60. So, this is 60 rupees. Understood? यहाँ पे जो coin दिए है, इसका total हमें यहाँ पे मिलता है. So, this exercise you have to do in your textbook. Okay? This exercise you have to do in your textbook. आपको textbook में करना रहेगा. Okay? Now, next is B. Tick the coin that is add up to price of each object. यहाँ पे हमें कुछ coins दिए हैं और object की price दी हुई है. Look here, ये object है, इसकी price दी हुई है 30 rupees. अब हमें 30 rupees arrange करना है ये सारे coin में से. Okay, so कैसे करेंगे 30 rupees arrange? तो पहले हम big number से करेंगे. ये 10, ये another 10, 10 plus 10, how many? 20 हो गए. 10 plus 20, 20. अब हमें और 10 add करने. Third 10 तो है ही नहीं. So, हम उसे छोटा number देखेंगे. क्योंकि उससे बड़ा तो है ही नहीं. So, 5. That is 25. Then another 5. Here it is. So, 10, 10 plus 10, 20. And 5 plus 5, 10. So, 20 plus 10, that is 30. Okay, so what you have to do, you have to tick the coin that add up to price. So, add 10 plus 10, 5 plus 5. So, 10 plus 10, 20 and 5 plus 5, 10, that is altogether 30 rupees. Understood? Now, number 2. This ice cream is of rupees 23. Now you have to count, tick the coin that add up to the price. So first go with 10, another 10 that is 20. 20 यहाँ पे 3 है, 23 है. Look here, 23. अब 20 तो हो गए, अब हमें 3 करना है. So first go with 2 and 1 that is 3. So, ho gai na 23. Okay. Understood. Now, next number. Next exercise. How will you pay for this? Put a tick on the notes. Jaise humne coins pe tick kiye hai, waise hi hume yahan note pe tick karna hai. Okay. So, look here. Here is a compass box. And its price is 80 rupees. So, first, go through the big number. The first big number is, means big note is 100 rupees. Ab ye 100 rupees ka to nahi hai, lesser than 100 hai. To go with 50 rupees. So we will take 50 rupees. Then 60 karne ke liye hume 60, 70, 80 karne ke liye aur note add karne padegi. So go with another note that is of 20. 50 plus 20 that is 70 and 70 और हमें 80 करने के लिए और 10 रुपीस ऐड करना है. ओके, सो 70 एंड दिस 10 रुपीस ऐड कर दिए तो कितना टोटल हुआ? 80 हो गए ना. लुक हियर, 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70. 70 प्लस 10 सो हो गए 80. आया समझ में?
तो हम किस पे टिक करेंगे, 50 + 20 दैट इज 70, 70 + 10 दैट इज 80। ओके, नाउ नंबर टू, दिस टॉय कार इज ऑफ रुपीज 70। ओके, तो हमें 70 अरेंज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द बिगर नोट दैट इज ऑफ 100। 100 का तो है नहीं, सो 100 को नहीं करेंगे। उसके बाद है 50 का नोट, सो 50 इज लेसर देन 70, सो टिक ऑन 50। अब और 70 करने के लिए हमें कितना नोट ज्वाइन करना पड़ेगा, 50 के बाद अगर हम 20 का लेते हैं तो आफ्टर 50 10 + 10 50, 60 एंड 70 हो गए 70। सो हम टिक करेंगे 20 पर भी, सो 50 + 20 दैट इज 70। अंडरस्टूड, समझ में आया ना? सो टिक ऑन 50 and 20। ओके, नाउ दिस ऑल एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक में करना है, क्योंकि नोट तो हम नोटबुक में ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपको ये एक्सरसाइजेस टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। माई सेल्फ नंजल सैयद, टीचर ऑफ रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, साइनिंग ऑफ। गुड बाय।